रिलीजियस स्पीशीज के साथ शेयर करते हैं और हमारी आदतों की वजह से हम उनसे उनका घर छीन रहे हैं। तो छोटी सी एक चीज़ जो हम सब कर सकते हैं वो ये है कि हम हमारे एनिमल्स को सपोर्ट करें, उनकी रक्षा करें, जितना हो सके उनका ध्यान रखें, ख्याल रखें। आई थिंक इसी आइडियोलॉजी के साथ टैगो योडा शुरू हुआ था, आई थिंक इसी आइडियोलॉजी के साथ क्लाइमेट वॉरियर भी शुरू हुआ था। इनफैक्ट मैंने लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद देखा जो ब्रिलियंट काम योडा कर रहा था, और उन्होंने मुंबई में एक बहुत ही सक्सेसफुल फैसिलिटी शुरू की है। वन ऑफ माय पपीज़ मैंने योडा से अडॉप्ट किया है, और मुझे याद है जब मेरे बेबी का नाम ब्रूनो है, जब मैंने ब्रूनो की फोटोग्राफ देखी थी योडा के इंस्टाग्राम पेज पे, तब मैं जानती थी कि ये मेरे घर आ रहा है, और उसने ऑनेस्टली मेरी ज़िंदगी बदल दी। और ऐसे अनेकों इतने सारे स्ट्रेज हैं या डॉग्स फॉर अडॉप्शन है जिनको योडा ने सपोर्ट किया है, जिनको योडा ने घर दिलाया है। मेरी पहली एसोसिएशन योडा के साथ तब थी जब ये एक एक्टिविटी करते हैं जिसका नाम है नामकरण। जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, वो उनके नाम से एक डॉग को अडॉप्ट करवाते हैं, जो मुझे लगा इतना जीनियस आइडिया है और इतना सक्सेसफुल आइडिया है। अभी भी अगर मैं कोई एनिमल को डिस्ट्रेस में देखती हूँ या किसी एनिमल को अडॉप्शन की ज़रूरत है, रेस्क्यू की ज़रूरत है, मैं प्रिया को फोन करती हूँ। उन्होंने इतना इनक्रेडिबल काम किया है। तो आई थिंक इसी इंटेंट के साथ हम यहाँ आए हैं कि इतनी गर्मी में आप सोचिए हम सभी गर्मी झेल नहीं पा रहे हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं रोड पे वो कैसे झेल रहे होंगे, ना उनके पास पानी है, ना उनके पास छत है, उनके पास कभी कभार बेसिक खाना भी नहीं होता। हम हमारे तरफ से यही कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी जितनी भी ज़रूरतें हो सके उन ज़रूरतों को पूरा करें। और मैं योडा, टावर और प्रिया को बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगी कि हमने कोलैबोरेशन किया। हमारा एम है कि हम 500 वाटर होल्स अक्रॉस द एरिया डालें, और इस सक्सेसफुल एक्टिविटी के बाद ऐसी अनेकों एक्टिविटीज़ करें जिससे जितने भी लोग इंस्पायर हो सके हो पाए। प्रिया, आपसे जानना चाहेंगे, आप तो इतने टाइम से जुड़ी हैं। एनिमल वेलफेयर को इतना ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। आई रियली होप कि हमारे आज इंटरव्यूज़ देख के कोई फिल्म मेकर एक अच्छी कहानी लाया और हम इस पर कोई फिल्म बना पाए, बिकॉज इन ऑल ऑनेस्टली जो सुकून और खुशी एनिमल्स आपके लाइफ में लाते हैं, वो अनकंडीशनल लव आपको कोई नहीं दे सकता। एक स्ट्रेसफुल दिन के बाद जब मैं घर जाती हूँ, मेरे दो पपीज इतना प्यार देते हैं, ऐसे भागते हुए आते हैं, उनको नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, वो सिर्फ आपका प्यार चाहते हैं। और यही प्यार हमारी जिम्मेदारी है कि हम बाकी एनिमल्स तक भी पहुँचाएं जिनके पास शायद एक घर ना हो। जितना हो सके, मैं यही कहती हूँ, जितना हो सके अडॉप्ट कीजिए, यू नो, जितना हो सके। जैसा प्रिया ने कहा, जैसे आपके दिल में एम्पथी आ जाएगी ना, जैसे आपके दिल में वो प्यार आ जाएगा कि अगर आप एक स्ट्रे डॉग या एक स्ट्रे कैट या यू नो किसी की भी हेल्प एक हैबिट बना दे रोज करने की, तो आप समझ नहीं सकते कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा दुनिया में। साथ ही एक और चीज क्या हो रहा है, कोई एक ऐसी घटना आपने देखी हो और आपने अगर रोड साइड पे ऐसा कोई एनिमल्स के साथ होता हुआ देखा हो और आपने आई एक्चुअली रिमेंबर दिस इंसिडेंट, और मैंने प्रिया को ये वीडियो भेजी थी, बिकॉज वो मेरी इन मैनी मैनी वेज वो मेरी इस कॉज के लिए एक वॉरियर है। तो जब भी कुछ होता है मैं तुरंत इनको वीडियो भेजती हूँ। मुझे पता नहीं वो हिंदुस्तान की कौन से पार्ट की वीडियो थी, लेकिन मैं बहुत बहुत डिस्टर्ब हुई थी उससे, जहाँ पे एक हॉर्स था, एक घोड़ा था, जिसके ऊपर कम से कम 8 लोग बैठे हुए थे और पटाखे जला रहे थे, और वो परेशान था, और आप देख सकते हैं कि वो परेशान था, उसके ऊपर खड़े होकर नाच रहे थे, कूद रहे थे। अभी तक वो वीडियो मुझे हॉन्ट करती है, और हमने बहुत कोशिश की कि हम वो ट्रैक डाउन कर पाए, पर हम नहीं कर पाए। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ क्रूएल्टी बंद कीजिए। आप कैसे कर सकते हैं, यू नो, जब आप ये सोचिए, वो एक जान है, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी चीज़ें महसूस होती है, उन्हें गर्मी लगती है, उन्हें सर्दी लगती है, भूख लगती है, उन्हें प्यास लगती है, वो एक जान है। हम सालों सोशल कंडीशनिंग ऐसी रही है कि जब हम किसी इंसान को भी जानवर बुलाते हैं, हम बहुत गंदे वे में बुलाते हैं, वो गलत है। जानवर भगवान का रूप है, वो सबसे प्योर चीज़ है। तो जानवर एक गाली नहीं, जानवर एक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला शब्द होना चाहिए। तो हमें हमारी थिंकिंग बदलनी ही होगी, हमें हमारे जानवरों को प्यार करना ही होगा। ना डोली वो कि जितनी भी पॉलिसीज हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए, ना कि बी ऑल आर योर फॉर दैट।